आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और बेहद खुशी का दिन तो यह है कि आज का जो ये दो दिन का जो प्रोग्राम यहां पे चलेगा, जो कन्वेंशन चलेगी, उसमें बहुत जगह के विचारक लोग यहां पे हैं। और दुख इस चीज का है कि 9 महीने पूरे हो गए और सरकार बातचीत को तैयार नहीं है, लेकिन कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। यहां पे संयुक्त मोर्चे के जो किसान मोर्चा है संयुक्त, उसके समस्त लीडरशिप यहां पे है, यहां पे विचार करने वाले लोग यहां पे हैं। हमने इन 9 महीने में क्या खोया, क्या पाया, उस पर यहां पे चर्चा होगी। बहुत लोग कहते हैं कि जहां जहां इलेक्शन है आप वहां वहां की तैयारी कर रहे हैं, तो यह भी बात गलत है। पूरी हम पूरे देश की तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश में संयुक्त मोर्चे के जो लीडर्स हैं वो जाएंगे। हमारे जो 40 जो अग्रियन लीडर हैं उनके पीछे जो फोर्सेस हैं और सब लीडर हैं, यहां कोई मुख्य अतिथि नहीं है। नहीं ये कोई ये गलत फहमी पाले कि ये आंदोलन कोई एक आदमी चला रहा, इस आंदोलन को देश की जनता, देश के वे 550 संगठन, वे इस आंदोलन के लीडर हैं। ये जो हमारे सामने भी बैठे वे भी इसी आंदोलन के लीडर हैं। इसकी खूबसूरती है कि इसका कोई लीडर ही नहीं है। अगर इस आंदोलन का एक लीडर कोई होता तो सरकार बातचीत करके उसको समझा के बुझा के उससे बात कर सकती थी, लेकिन इस आंदोलन में मजा ही अब के आंदोलन में आया। जिस भी लीडर से पूछते हैं कि आप बातचीत करोगे, वो कहते हैं संयुक्त मोर्चे से बातचीत करोगे। प्रेस के लोग भी पूछते हैं जी आप बातचीत क्यों नहीं करते, एक फोन कॉल की दूरी पे है सरकार। हमने कहा कि ना उस एक फोन कॉल का इस्तेमाल भारत सरकार के उन जो उनके सिप्पे सलार थे, जो उनकी कंपनियां थी, उनने इस्तेमाल करा। एक ही वाक्य में, उत्तर प्रदेश में एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसका हमने एक डाटा निकलवाया डॉक्टर साहब, डाटा अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान बना के एक कॉल से उनका डाटा फीडिंग करा गया, उस एक फोन से उनका ओटीपी नंबर लिया और किसान का फर्जी किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ और 11,000 फर्जी किसानों के नाम से धान और गेहूं की तुलाई होती है। करीब अकेले जिले में 200 करोड़ रुपए का घपला है। आपके यहां पे भी है जो कहते हैं ना कि पंजाब का पूरा धान और हरियाणा का धान और गेहूं तुलता है, नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार तक का धान आपके यहां पे तुलता है, फर्जी आईडी पे तुलता है। और जो हमारा पंजाब और हरियाणा का ओरिजिनल किसान है उसको तो बांध दे कि आप इतना तोल सकते हो, वो फर्जी तुलता है पूरा। तो ये जो सवाल है हमारे भारत सरकार से, सवाल है कि एमएसपी पे गारंटी, कानून, 3 कानून जो बने वे वापसी हो, आगे की कमेटी बने, जो हमारा संयुक्त मोर्चे की जो लीडरशिप है उसके नेतृत्व में वो कमेटी रहेगी, भारत सरकार के लोग उसमें होंगे और आगे के जो मसले होंगे वे तय होंगे उसमें। तो आप जो भी यहां पे तय करोगे, पूरा देश, अभी हम 4 दिन तमिलनाडु में थे, भाषा समझ में नहीं आ सकती लेकिन सबका भाव एक है। पूरा बर्बाद है देश, वो विशाखापट्टनम में, आंध्रा में हो जो स्टील प्लांट है, वो ये मान के चलो कि 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का स्टील प्लांट 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा, जैसे कोई चीज 4 लाख की और वो 14,000 रुपए में बेच देते हो। तो इस तरह से देश बिखरा है। अब इसकी जो जमीन है, रेलवे की जमीन है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे है, स्टेडियम है, एफसीआई के गोदाम है, मतलब कोई जमीन सरकारी या संस्थाओं की छोटी नहीं, सब कुछ बेचने के कगार पे। अब ये आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं, ये आंदोलन है देश कैसे बचेगा। जो जो हमारे युवा साथी है, जो युवा साथी है उनको दे दिया डाटा फ्री 3 महीने में, 700 रुपए में 3 महीने का डाटा, वो 24 घंटे डाटा पर लग रहे हैं, उनको नेट दे दिया, नेट नहीं, ये देश बचेगा कैसे, उस पर हमारा सवाल है।
तो आप लोग सब यहाँ पे ये प्रोग्राम चलो, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम हमारा भी है वो पिछले 25 दिन पहले ये हिमाचल का बॉर्डर लगता है वहां पे रखा हुआ है, तो वहां पर जा रहे। दुखद ये है कि हम इस प्रोग्राम में रहना चाहते थे पूरा का पूरा दो दिन, सब लोगों से मिलते, सब लोग वैचारिक लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कल का भी चंडीगढ़ में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है, और वो भी सब जो 5 सितंबर की जो आपकी बड़ी पंचायत, जो किसान संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है, उसकी तैयारी के लिए वहां पर हम लोग जा रहे हैं। और आप भी 4-5 तारीख में यहां से चलोगे, 3 में 4 में 5 में, तो आप भी सब लोग उस पंचायत में सब लोग आओगे, आपकी देखरेख में ही वो पंचायत हो रही है। और जो भी संयुक्त मोर्चे के झंडे हो, बैनर हो, वो लोग भी यहाँ पे, राजवीर सिंह जादौन यहाँ पे रहेंगे। और मैं सभी जत्थेबंधु से ये चाहता हूँ कि वहां पे उस मोर्चे पे जो मुजफ्फरनगर में पहली मीटिंग संयुक्त मोर्चे की हो, आप सबके फ्लैग वहां पे हो, आप 50, 100, 200 जो भी झंडे आप अवेलेबल करवा सकते हो वो झंडे आज या कल में आप दे दो, तो उन झंडों को भी वहां पे पूरे वो 10-12 किलोमीटर में जहां जहां रूट रहेंगे उसमें वे झंडे लग जाएंगे। जो मंच हैं उनके आसपास सब जगह वो झंडे, बैनर जो भी आप दोगे, तो कोशिश ये करेंगे कि सब लोग वहां पे रहें और वो मीटिंग किसी एक पार्टी, एक संगठन की ना हो, वो मीटिंग पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे की है। और जब अलग अलग रंग बिरंगे झंडे वहां पर लगेंगे तो उससे एक एहसास होगा कि इसमें सबकी भागीदारी इसमें है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। यहाँ पे डॉक्टर साहब है, बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर दर्शन पाल जी है, अनामुल्ला जी हैं, योगेंद्र जी हैं, यहाँ पर डल्लेवाल जी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, अनुरंजन जी भी यहाँ पे है, आपका भी धन्यवाद जी, स्वागत। तो सारे लोग यहाँ पे हैं, उग्रा जी यहाँ पे हैं, तो आप पूरी रणनीति, जो भी आप रणनीति बनाओगे सब लोग साथ में हैं। और मुजफ्फरनगर के लिए युद्धवीर सिंह जी और वे सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वे आपसे बातचीत करेंगे। मैं माफी चाहते हुए ये मंच छोड़ दूंगा कि मुझे जाना है, 2 मीटिंग लगी हुई है, वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं और आप लोग करें, इसीलिए मैंने पहले बोल के मुझे 1-2 मिनट में बोल कर निकल जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसी के साथ में ये उद्घोष होता है और आप लोग इस मीटिंग को चलाओ, ये कन्वेंसिंग जो है ये अच्छा एक प्रोग्राम है, ये तो हर महीने चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यू कर दो कि 26 और 27 तारीख की 2 दिन की ये मीटिंग है, इस तरह से चले। अब अपने लोग विचार रखें, अब अपने अलग अलग संगठन से आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। ठीक है जी,